दोस्तों अभी हम हैं लेह में, जो कि जाना जाता है अपनी खूबसूरत वादियों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, मन को लुभाने वाली झीलों और बौद्धिज्म के लिए। और इन सब खासियतों के कारण ही यह घूमने और एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए इस समय फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है। लेह में हम जहां भी गए वहां कंस्ट्रक्शन का काम काफी ज्यादा देखने को मिला। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर सड़क बनाने का काम भी काफी जोर शोर से चल रहा है। इन सभी निर्माण कार्यों में हमने देखा कि जेसीबी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इस यात्रा में हम कुछ ऐसे लोगों से भी मिलेंगे जिनके जीवन में जेसीबी ने बड़ा बदलाव किया है। चलिए लेह की सुंदरता का आनंद लेते हुए देखते हैं कि लेह के विकास में जेसीबी का कितना बड़ा योगदान है। दोस्तों जेसीबी खरीदने का मतलब अपना सपना पूरा करना, विश्व के सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़े ब्रांड के साथ जुड़ना, जो आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्रदान कर सकता है। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाएंगे जिन्होंने बीआरओ में लेबर का काम करके अपने सफर की शुरुआत करी, उसके बाद आर्मी ज्वाइन की और आर्मी से रिटायर होने के बाद ठेकेदारी का काम शुरू किया। चलिए मिलते हैं उन्हीं शख्स से और उनसे ही जानते हैं उनकी पूरी कहानी। मेरा नाम है थुपस्तान रिंचेन, मैं यहीं ले का हूँ, लद्दाख का। मेरा घर है सिटी में। मेरा कंपनी का नाम है छस्कन कंस्ट्रक्शन कंपनी। यहाँ से मेरा ठेके का रोड और बिल्डिंग सारा इसी में चलते हैं। तो ये जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस में आप आए कैसे? मैं शुरू में यही 1946 में मैंने स्टार्ट किया था काम ठेके लैंड में। 2002 में मैंने जेसीबी का मशीन लिया था, तब से काम अपना काम स्टार्ट हो गया, चलते गया, ठेके का काम चल रहा है अभी। जेसीबी से जुड़ने से पहले आप कोई काम करते थे? उससे पहले मैं जब छोटे में थे यहाँ बेरो में लेबर का काम करता था। उधर कम से कम 4-5 साल काम किया, उसके बाद मैं गया था फौज में, 3-4 साल बैठे, उसके बाद मैं छोड़ के आए। फिर इस ठेके लाइन में हम स्टार्ट हुआ, छोटा मोटा काम करते करते ऐसे निकलते गया। फिर मशीन लिया, उससे काम थोड़ा आगे बढ़ाया, कहीं कनाल का, कहीं बिल्डिंग का फाउंडेशन खोदने के लिए ऐसे ऐसे। जेसीबी की कुल कितनी मशीनें आपके पास अभी हैं? मेरे पास होगा अभी 12-13 सारा बड़ा छोटा मिला के। मतलब आप जेसीबी के ऊपर पूरा विश्वास है आपका? जेसीबी का सर्विस दे रहा है तो इसी हिसाब से हमने जेसीबी लिया है। बाकी मेरा मशीन रखा है वहाँ रोड पे चल रहा है, पीएमजी वर्स का रोड है चाइना बॉर्डर पे, वहाँ पे 3 मशीन चल रहा है और दूसरा एक साइड है वहाँ पे भी 3-4 मशीन चल रहे हैं। तो आगे का फ्यूचर प्लान क्या है जेसीबी के साथ? टेंडर अभी आएंगे जाएंगे, लद्दाख के लिए जेसीबी बेस्ट है। सर जेसीबी का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आता है? जेसीबी का मतलब भरोसा है। मेरे पास इतना काम करने वाला डेवर है, रोजगार बढ़ता है, उनका भी दाल रोटी चलता है, अपना भी बिजनेस आगे बढ़ते। तो हम कह सकते हैं कि जेसीबी भारत का भरोसा है? भारत का भरोसा है जेसीबी। सर इस वीडियो को जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं एक छोटा आदमी इसी मशीन की वजह से आज के डेट पे मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, जेसीबी मशीन से काम चल रहा है। थैंक यू जेसीबी।